हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिएट अ डिस्ट्रॉयर, डू इट योर सेल्फ बडी। जी हाँ दोस्तों, मैं भी कोई एक्सपर्ट या प्रोफेशनल नहीं हूँ, आप ही की तरह नॉर्मल इंसान हूँ। लेकिन किसी भी चीज़ के ख़राब होने पर उसे फेंकने के बजाय या रिपेयरिंग के लिए देने के बजाय मैं उसे खुद बनाना पसंद करता हूँ। तो सोचा कि क्यों ना इसका वीडियो बनाया जाए और आपको शेयर किया जाए, जो कि आपके लिए भी यूज़फुल होगा। तो दोस्तों, आने वाले वीडियोज़ में मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में शेयर करने वाला हूँ जो कि आपके डेली यूज़ के हैं, जो कि जनरली आप फेंक देते हैं या रिपेयरिंग कराकर उस पर ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अपडेट रहने के लिए प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए, आपका भी टाइम कीमती है दोस्तों, तो डायरेक्टली मैं वीडियो पे आता हूँ, बताता हूँ कि इस ईयरफोन में क्या ख़राबी थी, उसे मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले तो दोस्तों, रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी ये जानना होगा। सोल्डरिंग आयरन चाहिए, सोल्डरिंग पेस्ट, सोल्डरिंग वायर, कटर और फेविक्विक। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों में बस आप ये ईयरफोन बना लेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं इसे। ये है मेरा सैमसंग का ओरिजिनल ईयरफोन जो कि एक साइड से काम नहीं कर रहा है। तो मैंने देखा कि माइक के पास से यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे बनाने की कोशिश किया जाए। लेकिन इसके लिए माइक वाले पोर्शन को ओपन करना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको एक सिर्फ ब्लेड की ज़रूरत है। दोनों साइड से अपन थोड़ा थोड़ा प्रेस करके उसे खोलेंगे, ठीक है। हल्का हल्का उसे दोनों साइड से ऐसे करके आपको गड़ा गड़ा के धीरे धीरे करके निकालना है, डैमेज नहीं करना है। डैमेज करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, आप बाहर उसे लेके जा नहीं सकेंगे, आपको ही थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा, है ना। तो बिल्कुल आहिस्ते से और बिल्कुल आराम से विदाउट डैमेज किए आप उसे निकालें, ठीक है। निकालने के बाद देखिए कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसे मैंने निकाल लिया है। निकालने के बाद में ये थोड़ा सा पोर्शन देखिए कटा हुआ है मेरा, जिसकी वजह से मेरा ईयरफोन चल नहीं रहा है। तो अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों जगहों पे उसे पेस्ट करना है। सबसे पहले तो ये जो किट है उसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। उसे बाहर निकालने के बाद में ये पोर्शन जो रेड और वाइट वाला है उसे मुझे फिर से जोड़ना है। तो दोनों को कोई इशू नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोनों के जगह पर कोई सा भी जोड़ सकते हैं, वहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नीचे होता है। सबसे पहले तो इसे कट कर लेते हैं, ठीक है। कट करके निकालते हैं ताकि उसे फिर से अपन छील सकें और फिर से उसे सोल्डरिंग के लायक बना सकें, है ना। ये देखिए, ये पोर्शन है जिसे अपन को सोल्डरिंग करना है। इसे निकालेंगे लेकिन थोड़ा बाद में, पहले उसे छीलना है। उस वायर को छीलने के लिए आपको ब्लेड चाहिए और ब्लेड से आप हल्का हल्का उसे ऊपर की तरफ छीलेंगे। ज़्यादा आपको प्रेस करके करना नहीं है, वायर डैमेज हो सकता है, इसलिए बिल्कुल हल्का सा। और जैसे ही वो दिखने लगे उसे बाहर पकड़ के खींच लेना है, ठीक है। ये देखिए, पहले इसे छीलते हैं और जैसे मुझे दिखेगा उसे मैं खींच लेता हूँ। ये मैंने खींच लिया, बाकी जो जो पोर्शन अपने काम करने उसे कट कर लीजिए। दोस्तों, सोल्डरिंग अच्छे से हो इसलिए मुझे ना इन दोनों वायर को हल्का सा जलाना होगा, फिर इसके ऊपर मैं कोटिंग करूँगा सोल्डरिंग वायर, थोड़ा सा सोल्डरिंग आयरन में लगा के, ठीक है। ये देखिए, रेड वाले पोर्शन को रेड वाले जगह पर जोड़ेंगे, वाइट वाले को वाइट वाले पे। सबसे पहले मैच बॉक्स है मेरे पास, आपके पास लाइटर हो उससे भी कर सकते हैं, उसे हल्का हल्का जला लूँगा। दोस्तों, बिल्कुल हल्का सा जलाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक वहाँ पे रखेंगे तो पूरे वायर पे आग पकड़ लेगा, फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए हल्का हल्का टच करके पूरा जल जा रहा है वो। इसके बाद में दोनों पे सोल्डरिंग पेस्ट लगाऊंगा। पेस्ट लगाने के बाद में उसे दिखाता हूँ कोट कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस पर पेस्ट लगा लीजिए हल्का हल्का ऐसे, और सोल्डरिंग आयरन में थोड़ा सा आप सोल्डरिंग वायर को लगा लीजिए ताकि उससे आप उसको कोट कर सकें। ये देखिए, हल्का हल्का उसे टच करेंगे, उसकी कोटिंग हो जाएगी। दोस्तों, सोल्डरिंग करना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, उसी में प्रॉब्लम मेन जाता है। अगर थोड़ा सा भी, बहुत ही बारीक काम है, अगर आप इसे ध्यान से नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा डैमेज हो सकता है। तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ फॉलो करिएगा, बिल्कुल अच्छे से सोल्डरिंग होगी वहाँ पर, ठीक है। कोटिंग हो गई, लगा लेता हूँ इसे मैं। ये मैंने लगा लिया। अब जो उसमें किट में रिमेनिंग पोर्शन था उसको निकालना है मुझे, तो उसके लिए बस सोल्डरिंग आयरन टच करना है, कोई भी पकड़ने वाली चीज़ उसे पकड़ के आप उसे खींच सकते हैं। ये देखिए, ऐसे बिल्कुल प्यार से विदाउट डैमेज, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया। अब चलिए उसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैंने कोटिंग कर ली है जिसकी वजह से आसानी से मैं वहाँ पर सोल्डरिंग कर पाऊँगा। ये देखिए, बस मुझे टच करना है, वहाँ पर हल्का सा रखिए और टच कर दीजिए। देखिए, हो गया। अब दूसरे वाले रेड वाले पोर्शन को देखिए, उसके ऊपर हल्का सा एडजस्ट किया और बस टच किया, ये हल्का सा वो भी हो गया। अब मैं इसे चेक करूँगा, ठीक है, चेक करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
दोस्तों बन चुका है, बस इसे पैक करते हैं। ठीक है, माइक वाले पोर्शन का एक थोड़ा सा जगह बना होता है, आप देख के समझ जाएंगे, उसी पे माइक को हल्का से बैठाइए और दोनों पोर्शन को लगा के फेविक्विक से चिपका दीजिए। तो दोस्तों ये था, एक साइड से मेरा काम नहीं कर रहा था, सैमसंग का ओरिजिनल ईयरफोन था जिसे मैंने बनाना ज़रूरी समझा। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो प्लीज़ ट्राई करिए और उसे बनाइए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ पुराने वीडियो की तरह ही इसे प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए। अगर कुछ फॉल्ट है तब भी बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ तब भी बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू सो मच।